जो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी को कैसे साबित किया जाता है, कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से टाइप के एविडेंसेस को स्वीकार किया जाता है, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए सेक्शन 10 बनाया हुआ है एविडेंस एक्ट में। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बताया हुआ है, हम सेक्शन 10 को पूरे को एक लाइन में कहें ना, कि जो कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा जब कॉन्स्पिरेसी उनके दिमाग में आई, कॉन्स्पिरेसी दिमाग में आई इसका मतलब समझ रहे ना, वेन एवर दे वर रेडी टू कमिट क्राइम और रेडी टू, और मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब उनके दिमाग में आई, हाँ ठीक है, मतलब देवर एग्रीड, ऐसे मान लो, जब वो अपराध के लिए तैयार थे, अपराध करने करवाने इन कामों के लिए तैयार थे, रेडी हो गए थे, दोनों के बीच में कंसेंट हो गई थी, सहमति बन गई थी, तो जिस क्षण उनके सहमति बनी अपराध की, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए पर्याप्त है। बात समझ में आई? जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी लिखा, कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए एक बड़ा फेमस केस है, एक इलस्ट्रेशन भी है। जैसे एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपका, जो जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते थे, अंग्रेजों के लिए तो वो आतंकवादी थे, भगत सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो क्या थे? आतंकवादी। भाई देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले तो वो ऐसे ही थे। तो जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, उसी पर अंग्रेजों ने एक इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है। उसमें क्या था कि ए बी सी डी ई इन सब में और एफ, इन सब में एक समझौता हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो सबके काम डिवाइड हुए। काम डिवाइड हुए कि देखो, ये सारा काम काबुल से करेगा, काबुल से हेडक्वार्टर रखेंगे काबुल, और अपने को आगरा में विस्फोट करना है, बी वहां आगरा में हमारे क्रांतिकारियों के पक्ष को प्रेस के सामने रखेगा, एडवोकेसी करेगा, सी पैसे की व्यवस्था करेगा, डी क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराएगा। ई इन सबके बीच में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी रहेगी, और एफ ये देखभाल करेगा कि सरकार में कौन कौन लोग क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। और ये सब लोगों सहमत हो गए। तो ये सब लोग किस बात के लिए सहमत हुए कि आगरा में इन्हें एक तरह से बड़ा विप्लव, बड़ा आयोजन करना है, तो ये तैयार हो गए सब। अब क्या हुआ कि चूंकि इसे एक्शन की जिम्मेदारी रखनी थी, तो एफ ने क्या किया, सबके नाम लिख लिख के अपनी डायरी में लिख लिया, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा। क्या हुआ, एफ पकड़ा गया, पुलिस से कौन पकड़ा गया, अकेला एफ। एफ की डायरी में क्या हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या अपराध करने वाले हैं, इन सब के नाम लिखे हुए थे, ये सबके नाम लिखे हुए थे। तो एफ की डायरी में जो कुछ भी लिख रहा था, एफ की
डायरी में जो कुछ भी लिख रहा था ए बी सी डी ई के विरुद्ध एविडेंस थे, क्या थे? एविडेंस थे। तो क्या है सेक्शन 10? कॉन्स्पिरेसी जब दिमाग में आई, परिकल्पना में आई, उस समय के बाद जो कुछ भी कहा गया, किया गया, लिखा गया, वो क्या है? रेलेवेंट है, उसे एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। ये प्रेस को संबोधित कर रहे थे, क्या कह रहे थे? इनका पक्ष ले रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? पक्ष ले रहे थे, कुछ नहीं किया। ये कह रहे थे कि क्रांतिकारियों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी लिंक है। आप देखते हो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सबको पकड़ते चले जाते हैं। यही कॉन्स्पिरेसी है। अभी थोड़े दिन पहले आप एक चर्चित केस रहा, दिल्ली का शराब कांड। दिल्ली शराब कांड में जो लोग पकड़े गए हैं वो, जो एक आदमी सरकारी गवाह बना है, उस सरकारी गवाह ने कहा है कि जो कविता है केसीआर की बेटी, केसीआर मुख्यमंत्री है, तो केसीआर की बेटी कविता से मैं मिला, उनको पैसे दिए, गोवा के चुनावों में पैसे खर्च हुए, यहां खर्च हुए, ऐसे ऐसे पैसे दिए गए, ऐसा कौन कह रहा है? एक आदमी, वही आदमी जिसने 50 करोड़ रुपया, 55 करोड़ रुपया के बॉन्ड भी खरीदे। अब वो कितना सही कह रहा है? तो चूंकि सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि जिस चीज के बारे में कहा गया वो सबको पकड़ लो, वो सब कॉन्स्पिरेटर है। ऐसे ही उसका कुछ हुआ नहीं, केजरीवाल से मोदी जी इतना क्यों चिढ़ते हैं? इसके पीछे कारण है बहुत बड़ा। केजरीवाल क्या है कि अफसर रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दस्तावेजों को आरटीआई से निकलवा लिया, और उस आरटीआई से निकलवाए दस्तावेजों में उसमें हुआ कि कुछ नहीं। इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि सरकार चाहेगी तो हुआ, हम तो एविडेंस की बात कर रहे हैं। उसमें यह कहा गया गुजरात सीएम को 50 करोड़, गुजरात सीएम को 100 करोड़, गुजरात सीएम को ये। अब गुजरात सीएम कौन था? अब वो कहते हैं मेरे पहले भी तो सीएम रहे। बोले पहले सीएम नहीं, एक जगह लिखा है इतने रुपए मिस्टर मोदी। अब ये कहां लिखा हुआ? डायरियों में। उस डायरी को उन्होंने उजगार किया, लेकिन हुआ ये कि वो डायरी प्रधानमंत्री रहते हुए, अब चूंकि उस पर कोई केस तो हुआ नहीं, तब से दोनों की दुश्मनी राइवलरी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने इतना पैसा, ये वो डायरी मिली थी। सेक्शन 10 क्या कहता है कि कॉन्स्पिरेटर्स की किसी ने कहा, किया, लिखा, सब रेलेवेंट है, सबको एविडेंस के तौर पर। अब क्या है कि जब से उनकी गवर्नमेंट नहीं आई, बाय द वे उनकी गवर्नमेंट आएगी तो ये सब रेलेवेंट हो जाएंगे और सब एविडेंस के तौर पर काम आएंगे। अभी वो क्या रेलेवेंट कर रहे हैं कि कविता के स्टेटमेंट और जो व्यक्ति इन्होंने पकड़ा उसके रेलेवेंट। कभी बार बार केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं कहता हूं मिस्टर मोदी को, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को मैंने 50 करोड़ रुपए दिए, अरेस्ट करो मोदी को। तो ये खैर राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हमारे पढ़ने में बहुत सहयोगी हैं, याद रहता है इसके बहाने। समझ में आ गया आपके? तो कहा गया, किया गया, लिखा गया, तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं, कहा, किया, लिखा। मतलब डन, सेड और
डन सेड रिटर्न, तीन शब्द है डन सेड और रिटर्न। तो डन सेड रिटर्न, अब देखो इसमें एक बड़ा फेमस केस है, 40 का प्रिवी काउंसिल का केस है, 1940 का प्रिवी काउंसिल का केस है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। इस केस को आप अपने नोट्स में से एक बार जस्ट रीडिंग कर लें, फिर मैं समझाता हूं। देखो चलो मैं ब्रीफ कर देता हूं जल्दी हो जाए। मामला क्या था, मिर्जा अकबर, मिर्जा अकबर की एक प्रेमिका होती थी, एक प्रेमिका होती थी, लेकिन मिर्जा अकबर की शादी उससे नहीं हुई, शादी किसी और से हुई, और उस प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई, लेकिन मिर्जा अकबर फिर भी संपर्क में रहा। तो मिर्जा अकबर के बीच में और उस लेडी के बीच में आपस में वार्तालाप होता रहता था पत्रों के माध्यम से, चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, क्या लिखते थे, चिट्ठी। तो मिर्जा अकबर को उसने एक बार लिखा, उस लेडी ने लिखा कि मुझे तुम्हारी याद आती रहती है, कब लेके जाओगे। तो मिर्जा अकबर ने उसे रिप्लाई भी दिया कि मैं जल्दी ही व्यवस्था करता हूं। तो मिर्जा अकबर ने क्या काम किया कि एक गांव का ही एक आदमी था, उसको हायर कर लिया, गांव के एक आदमी को हायर कर लिया और इससे कहा कि तेरे को उसे गोली मारनी है। तो उस लेडी का जो हस्बैंड था उसको इसने सुबह सुबह गोली मारी 12 बोर की बंदूक से, लेकिन वो मरा नहीं, घायल हो गया। और सुबह गांव में खेतों में उस समय भी जाते थे, अभी भी लोग अब थोड़ा कम जाते हैं, मोदी जी ने कुछ शौचालय बनवा दिए, तो लोग गए थे, तो वो भाग रहा था तो उसे पकड़ लिया, भाग रहा था तो उसे पकड़ लिया, और मुखबिर ने जाकर गांव में ही चौकी पर बता दिया ऐसे ऐसे हुआ है, तो पुलिस भी पहुंच गई, उसकी बंदूक से धुआं भी उस समय निकल रहा था कि इससे गोली चली है। तभी मिर्जा अकबर भी पहुंच गया, तो जो मारने वाला था उससे कहा, अरे ये तो बहुत सीधा आदमी है, ये तो कुछ भी नहीं करता। तो पुलिस ने मिर्जा अकबर को, उस व्यक्ति को पकड़ा, और साथ में इसके द्वारा ये कहना कि ये तो बहुत सीधा आदमी है, ये तो ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता, तो कहा इसका कहना और मिर्जा अकबर के और उस लेडी के बीच में जो पत्रों के द्वारा वार्तालाप हुआ, वो उनके बीच में हत्या के षड्यंत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस थे, और इन सबको, ये सब रेलेवेंट हैं सेक्शन 10 में, और इन्हें जो पत्र थे वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट है, इसके द्वारा कहना था वो रेलेवेंट है, और कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए दिए जा सकते हैं। मिर्जा अकबर वाले केस को पढ़ लो, 1940 का प्रिवी काउंसिल का पुराना केस है, वो इंपॉर्टेंट केस है। प्रिवी काउंसिल तो समझते हो क्या है, यहाँ के पहले कोर्ट्स के, यहाँ की भी जो कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, और हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के तो जाते ही थे, तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के भी अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी, जो लंदन में थी, कहाँ थी, लंदन में। तो जहां पीसी लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब प्रिवी काउंसिल। सेक्शन, इस सेक्शन को पढ़ लो, जैसे अडवाणी जी जब प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे, तब वाजपेयी जी को उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय क्या है कि हवाला कांड में जो हवाला वाले पकड़े गए थे, तो उसने में एक ने
एक की डायरी जो हवाला वाले जैन बंधु थे, हवाला तो समझते हो, यहाँ पैसा देना और विदेश में ले लेना, तो इस तरह लेन देन चलता था, उसे हवाला बोलते थे। तो उस हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आया था, और उसमें अडवाणी का क्या नाम लिखा बाद में, खैर वो बरी अलग तरह से हुई, उसमें डायरी में लिखा हुआ था इतने करोड़ अडवाणी। अब ये डायरी में नाम आ गया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तब तक के लिए अपने पद से त्याग पत्र देता हूं जब तक कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो जाए, और तब तक मैं कोई पद पे नहीं हूं क्योंकि ये मेरा लेना देना नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अडवाणी एक सरनेम है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से अडवाणी की बात कर रहे हैं, इसे सिर्फ एल के अडवाणी से, लाल कृष्ण अडवाणी से जोड़ना गलत होगा, इस आधार पर उनको बरी कर दिया। बाद में वो उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। सेक्शन 11 है, इस सेक्शन ने एक बिल्कुल डिफरेंट बात की। अभी तक आप जो रेलेवेंट मान रहे थे कि एक चीज दूसरे चीज के साथ कनेक्टेड है तो रेलेवेंट है, यही समझ रहे थे ना, इस सेक्शन ने जस्ट अपोजिट बात कह दी, इरेलेवेंट भी रेलेवेंट है। क्या कहा इसने, असंगतता भी सुसंगत है, असंगतता भी। आपने एक शब्द सुना हुआ एलीबाई, या एलीबी बोल दो या एलीबाई बोल दो, प्रोनंसिएशन अलग अलग है, एक ही बात है, एलीबी या एलीबाई। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्यत्र की स्थिति, अन्यत्र। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक आदमी दो स्थानों पर एक साथ नहीं हो सकता, एक ही आदमी एक ही समय दो स्थानों पर नहीं हो सकता, यह असंभव है। क्या है, असंभव है, ये इरेलेवेंट बात है। एक आदमी जब यहां है तो वहां नहीं होगा, वहां है तो यहां नहीं होगा, तो इस बात को भी, ये जो इरेलेवेंट बात है ना, जो असंगत है, असंगतता को भी एविडेंस के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक आदमी कहता है कि सर मैं इसका हत्यारा कैसे हो सकता हूं, जिस समय हत्या हुई मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम में था, मैंने हत्या कैसे की, तो या तो मैं वहां गलत था या मैं यहां सही था, तो मैं था कहां, ये मेरे फोटोग्राफ, ये मेरी उपस्थिति, ये प्रोग्राम की व्यवस्थाएं, मैं यहां हूं तो मैं वहां नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है, असंगतता को, इसको असंगतता को भी उसने एविडेंस के तौर पर यूज किया, जो असंगत है वो भी अन्यथा सुसंगत है, ये कहना चाहता है। विच इज इरेलेवेंट, इट इज अदरवाइज रेलेवेंट। शब्द समझ में आया कि एक ही समय एक स्थान पर दो लोग नहीं हो सकते। देखो ए बी सी, इन तीनों का डी की हत्या के आरोप है, ए बी और सी ने इनके ऊपर, तीनों के ऊपर आरोप है कि आपने डी की हत्या की, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ये तो उस समय कलकत्ता में था। उन्होंने कहा इसने तो नहीं की, क्या समझ में आया, और ये आईसीयू में भर्ती था, बचा कौन, इट इज हाईली प्रोबेबल कि इसने हत्या की, इट इज, ये क्या इलस्ट्रेशन है इसका, समझ में आया आपके, तो असंगतता को भी सुसंगत बना दिया यहां, किसको, असंगतता। आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ इतना सा आएगा
एलिवाई का सिद्धांत कौन से सेक्शन में है, या एलिवी का सिद्धांत कौन से सेक्शन में है, या अन्यत्र की स्थिति कौन से सेक्शन में है, असंगतता किस सेक्शन में रेलेवेंट है, क्या पूछेगा? इरेलेवेंसी इज रेलेवेंट इन विच सेक्शन, इरेलेवेंसी इज रेलेवेंट इन विच सेक्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन और दे रखा है, इन तीनों के ऊपर आरोप है कि 19 जनवरी 2024 में इन्होंने हत्या की, कब की? 19 जनवरी 2020 में सब लोगों ने हत्या की, लेकिन ये आदमी तो 15 दिसंबर 2023 को ही मर चुका था, एक कैलकटा में था, तो किसने हत्या की है फिर? इसने नहीं की तो सिर्फ बी ने की है, ठीक है? सबके समझ में आएगा सेक्शन 11 है? नहीं आया? एक बार आप पढ़ो अपने अपने, देखो ये जो अभी जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं, इन नोट्स में बेयर एक्ट मैंने इनकॉर्पोरेटेड कर रखा है, बेयर एक्ट इसी में दिया हुआ है, वैसे आपको दो बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट हमने लिख दिया है, इसमें सारा बेयर एक्ट उतारा हुआ है नोट्स में, अन्यथा नोट्स और कम होते हैं, बेयर एक्ट मैंने एज इट इज उतार दिया है, नोट्स भी हैं और बेयर एक्ट इनकॉर्पोरेटेड कर रखा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 12। अब देखो अभी तक ये पार्ट था ना, मैक्सिमम क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, अभी नेक्स्ट सेक्शन 12 वो सिविल के लिए है, एक लाइन का ही है, नुकसानी को अवधारित या डिटरमाइन करने वाले, नुकसानी को डिटरमाइन करने वाले तथ्य कैसे होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। एक चीज समझो, डैमेज क्या होता है, डैमेज होता क्या है, डैमेज या नुकसानी का मतलब क्या है? अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं यहां एक गड्ढा करूं और फिर उस गड्ढे को भरूं तो कितनी मिट्टी जरूरत पड़ेगी, जितनी निकाली है उसी को बोलते हैं नुकसानी। अरे इसका मतलब यह है जितना लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है उतना ही उसमें डाल दो पूरा हो जाएगा, उसका मतलब कैसे? जैसे मान लो मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने आपसे कहा कि देखो जी ऐसा है कि अब आपसे 100 क्विंटल गेहूं मैं खरीद लूंगा 2000 रुपये क्विंटल में, लेकिन बाजार में गेहूं 1800 रुपये क्विंटल हो गया, मैंने खरीदने से मना कर दिया, अब आपको भी अपना गेहूं 1800 रुपये क्विंटल में बाजार में बेचना पड़ा, तो आपको नुकसानी कितनी हुई, डैमेज कितना हुआ? भाई दो वैल्यू है, एक थी कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू वॉज 2000 पर क्विंटल, कितनी, एंड मार्केट वैल्यू है 1800 रुपये क्विंटल, और दोनों का डिफरेंस हो गया 200 रुपया, तो नुकसानी कितनी हुई, 200 रुपया, समझ में आ गया डैमेज? तो डैमेज को डिटरमाइन करने के लिए जिन फैक्ट्स की जरूरत है
वो रेलेवेंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कोल्ड स्टोर में आलू रख दिए, क्या रखे? आलू रख दिए कोल्ड स्टोरेज, और उस आलू में जब मैं निकालने गया, अपने कोल्ड स्टोरेज के आलुओं को बेचने के लिए निकालने गया, तो मुझे पता चला कि आलू तो सड़ गए हैं। अब वो उसने कहा कि साहब आप अपने आलू का दाम बता दो, कितने रुपए क्विंटल लोग। मैंने कहा इतने रुपए, मेरे तो इस क्वालिटी का आलू था, मेरे को तो इतने पैसे लेने हैं। अब उसने कर दिया मना, बोले तो मैं तो नहीं दे रहा। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब मामला गया तो उसने ये कहा कि साहब मैंने तो पूरी सावधानी बरती थी, फिर भी आलू सड़ गए, तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो एविडेंस हुए उसके वर्कर के। वर्कर ने कहा सर क्या है कि हमारे को सेठ जी ने कहा था कि रात को तुम, रात में वैसे ही थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, रात को कोल्ड स्टोरेज की जो चिलर प्लांट है उसको बंद कर दिया करो, स्विच ऑफ कर दिया करो, बहुत दाम आ रहे हैं उसके, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जो कथन उस आदमी ने कहे, अब यहां नुकसान कितना हुआ और किस किसको देना है, उस आदमी के स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि सेठ जी ने बिल बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए क्या किया, कोल्ड स्टोरेज को रात को बंद करवा देते थे। तो सेक्शन 12 एक लाइन का ही है कि जो भी बातें नुकसान में कौन रेलेवेंट, नुकसान में कौन जिम्मेदार है, वो सब रेलेवेंट होती हैं, और उसी के आधार पर डिटरमाइन होगी, डैमेज डिटरमाइन होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट कह लें, मान लो आलू रखे जाने थे 30 जुलाई तक, कब तक? 30 जुलाई के बाद अगस्त में उस आदमी ने कहा भाई साहब आप अपने आलू ले जाइए और अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सड़ गए तो बोले ले जाएंगे 10-15 दिन, और 10-15 दिन तो निकाल दिए। फिर दोबारा उसका नोटिस आया अपने आलू ले जाइए, और हम महीना भर बाद आलू लेने गए, तब तक सारे आलू सड़े हुए थे। तो उसका जो नोटिस था, उसका जो नोटिस था कि अपने आलू ले जाइए, टाइम निकल चुका है, उसके बाद सड़ गए, तो उससे जो नुकसानी वो चाह रहा है वो तो नहीं मिलेगी अब, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी पहले कई बार बार लेटर लेके खत्म कर दी। तो क्या समझ में आया कि वो लेटर, वो वार्तालाप, वो नोटिस रेलेवेंट हो जाएगा, उसे एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया सेक्शन 12? नहीं, फैक्ट्स विच इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन डैमेजेस, और अमाउंट तो डिटरमाइन तभी होगा ना। मान लो आप कोर्ट हो, मैं कह रहा हूं जी मेरे तो डैमेज 1 लाख दिलाओ, वो कहेगा सर 1 लाख कैसे दिलाओ, इनको 20,000 ही दिलाओ। तो क्यों, मैंने तो पहले ही कह दिया ले जाओ, फिर भी नहीं लेके गए, तो डैमेज कम ज्यादा होगा ना दोनों के कथनों पर। तो कोर्ट को जो सशक्त करते हैं, जो इनेबल करते हैं, वो वाले सारे के सारे फैक्ट्स कैसे होते हैं, रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 12 में। समझ में आ गया? एक सेक्शन 13 है, एक बार जस्ट रीड कर लो सेक्शन 12। देखो 12-13 इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, पर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जब मैं ये सोच लेता हूँ चलो ठीक है, 2 मिनट मेरे को, 2 मिनट में क्या है इसको भी बता देता हूँ। पर क्या है, ये टाइम बहुत खाता है, रेलेवेंसी बहुत टाइम खाती है, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। है? उसमें टाइम नहीं लगता।
इसे टीचर पढ़ाते थोड़े ही। हाँ ठीक है, वो सीधे 32 तक पहुंच जाते हैं या कन्फेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए उनका खुद का अध्ययन भी बहुत गहरा होना चाहिए तो पढ़ा पाएंगे, नहीं तो उनके समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहता है एविडेंस। तो समस्या क्या आती है, जैसे कॉलेज है ना, कॉलेज की टीचिंग बिल्कुल अलग है। कॉलेज में उनसे कोई लेना देना नहीं कि एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक लाइन। अभी तो अगर टाइम नजदीक आ गया, अन्यथा तो फिर मैं खुद भी इलेक्ट आपके साथ पढ़ता, एक लाइन बताता, फिर देखो इस लाइन का मतलब ये, ऐसे कराता। तो तब समय नहीं है अभी। अब जैसे फिर ये आपका प्री क्लियर हो जाएगा, उसी दिन पता लग जाएगी 23-24 तारीख को ही, तो 25-26 में दोबारा बैठेंगे, देखेंगे हाँ ठीक है इनका स्कोर ठीक है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि 3 महीने में मेन कैसे क्लियर हो जाए। उसी नेक्स्ट डे आ जाता है, नेक्स्ट डे ही पता लग जाता है। हाँ नेक्स्ट डे आपका स्कोर मान लो बहुत कम है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि ठीक है अब डिटेल पढ़ाई करने के लिए क्लासेस शुरू कर दे। एक ऑप्शन हो जाता है कि अब मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। दोनों ऑप्शन उसी दिन तय हो जाते। और एक और चीज बताऊं, थोड़ा सा क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट का कॉलेज का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं होता। वो अच्छा नहीं होता तो डिटेल पढ़ाना जरूरी है इसमें। बाद में क्या होता है, जैसे एग्जाम दे लिया तो एक झटके में उसी दिन, अरे यार कम हो गए, चल ठीक है 1 महीने बाद देखेंगे, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी पर क्रॉस मार देना चाहिए, मेरे को कभी जीवन में पूछनी नहीं वैकेंसी कब आएगी। राजस्थान है तो वैकेंसी आएगी और मैं एग्जाम दूंगा और मैं इस बार के एग्जाम में सेलेक्ट हूंगा, ये दृढ़ता होनी चाहिए। आज वो नहीं आएगा, क्या नाम उसका, क्या नाम है, भाविक, अच्छा इसमें होगा ऑनलाइन में लग रहा होगा। ट्वेल्व पढ़ लिया, देखो नया सेक्शन है 13। कई बार देखते हो ना, अधिकार को कैसे साबित किया जाए, किस चीज को, ये प्लॉट मेरा है या आपका, ये साबित कैसे हो, ये साबित करना बताया सेक्शन 13 में। एक बार मैं महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें वो कहते हैं, इनके बारे में भी चर्चा है, जो उस समय के एडवोकेट्स थे, तो वो कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इनको 167 के 167 एविडेंस के सेक्शन एज इट इज याद थे। इन्हें कभी भी कुछ भी पूछ लो, कॉमा की भी गलती नहीं करते थे। उसमें वो ये भी कहते हैं कि सीपीसी बहुत खराब सब्जेक्ट है, मैं इधर पढ़ता हूँ इधर भूल जाता हूँ। पता नहीं महात्मा गांधी जी को मेरे जैसा टीचर नहीं मिला होगा। सीपीसी टफ तो नहीं है, ऐसा ही है जैसे ये सब्जेक्ट है ऐसे ही सब्जेक्ट है। तो जितने बड़े बड़े थे उन्हें बहुत अच्छा तैयार करते थे, मेहनत तो अच्छी होती थी। तो अधिकार कैसे साबित किया जाए, ये सेक्शन 13 में दिया हुआ है। तो ये अधिकार आता कहां से है भाई, अधिकार, कोई अधिकार आया तो कहीं तो क्रिएट हुआ होगा, कहीं पे क्रिएट हुआ, कहीं पे विस्तृत हुआ, निर्बंधित हुआ, निर्वापित हुआ, कुछ तो हुआ होगा, तो वो वाला पोर्शन देखा जाएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है,
उसी इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक मछली पकड़ने का तालाब के ऊपर का एक तालाब होता है, इस पे दो लोगों की लड़ाई होती है कि ये तालाब मेरा है या मेरा है। तालाब से भी ज्यादा इस बात पर होती है, जैसे एक शब्द है ना अधिकार, क्या है अधिकार, तो मछली पकड़ने का अधिकार है ना। तो जो फिशरीज का जो राइट है, फिशरीज के राइट को जहां जिसका है, जैसे कहीं कचरा इकट्ठा करने का राइट है, तो दिस इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है, चीपीए में पढ़ाएंगे क्या कहलाती है इमूवेबल। तो ये कहता है कि ये जी तलवार, ये जो तालाब है, ये कहता है मेरा है। तो तुम्हारा कैसे है? क्या देखो जी, ऐसा है कि मेरे पिताजी थे बी, और बी के भी एक पिताजी थे सी, एक पिताजी ही होते हैं। तो जो पिताजी थे, इन पिताजी को जो किंग था उसने ये राइट दिया था। किसने दिया था? किंग ने। तो दिस राइट वॉज क्रिएटेड बाई किंग। किंग ने सी को दिया, लेकिन बी के टाइम पर, जब इनकी डेथ हो गई, बी के टाइम पर किंग का जो सन था, एक तरह से राजकुमार था, उस राजकुमार ने इस राइट को एक बार निरस्त कर दिया था। तो निरस्त कर दिया था, तो बी इनके पास गए और उन्होंने पुनः इसको रिन्यू किया। फिर जिनकी डेथ हो गई, तब मेरे पास आ गया। मेरे पास जब ये राइट आया, तो एक मेरा ही दुश्मन था डी, डी कहने लगा कि नहीं ये मेरा है, तो इस पर केस चला। क्या चला? केस चला, और उस केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा है, और मैंने वो पुराने डॉक्यूमेंट इनको दिखाए, तब से ये मेरे पास चला आ रहा है और ये फिशरीज का राइट मेरा है। देखो तुम्हें क्या समझ में आया, कई शब्द प्रयोग किए गए अधिकार के संबंध में, उन शब्दों को आपको बताना पड़ेगा कि क्या कोई हर्डल हुआ था तो पुराना वो था भाई, कहीं ये राइट क्रिएट कहां से हुआ, वो वाले दस्तावेज, ये राइट के समय में पहले कभी कोई झंझट हुआ था, वो वाले दस्तावेज, ये सारे दस्तावेजों की श्रृंखला, चेन डॉक्यूमेंट। कभी कभी देखते हो ना, कभी कोई चीज परचेज करते हैं तो चेन डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो चेन डॉक्यूमेंट में अधिकार का व्युत्पन्न होना, निर्बंधित होना, निर्वापित होना, निर्वापित मतलब शून्य, तो ये सारे के सारे शब्द हैं। तो इन शब्दों के पीछे जो चैन और उनके साथ में कोई कहानी जुड़ी हुई है, तो उसके माध्यम से किसी राइट को साबित किया जा सकता है। आप कभी जीवन में सोचते हो शानदार एडवोकेट बनना है, तो रेलेवेंसी की मास्टरी चाहिए। किसकी? रेलेवेंसी वाले पार्ट की मास्टरी चाहिए, बहुत मास्टरी चाहिए हर चीज को। मतलब इसको आपके समझ में आएगी कि अच्छा ये चैन डॉक्यूमेंट लाएगा, तो चैन डॉक्यूमेंट में आपके दिमाग में आएगी कि इसकी रेलेवेंसी को कैसे काटा जाए, तो पता लगा उसको काट दिया तो वो आपके फेवर में हो जाए।
मैंने बताया था ना, इट डिपेंड्स ऑन एविडेंस कि किधर मामला डिसाइड होगा। मामले का डिसीजन एविडेंस पर डिपेंड करता। अब सेक्शन 13 पढ़ो, पढ़ लिया। अब देखो एक दूसरी चीज और है, ये तो एक चीज थी, दूसरी चीज है रूढ़ी। क्या चीज है? रूढ़ियों को, अगर रूढ़ी थी या नहीं थी इसको कैसे साबित किया जाए कस्टम को। तो कस्टम साबित करने के लिए ये जरूरी है कि उस क्षेत्र में ऐसा पहले हुआ होना चाहिए, इस तरह के संव्यवहार, उस तरह के ट्रांजेक्शंस होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझो, एक आदमी ए था, ठीक है, एक इसकी डब्लू थी, डब्लू की, एक और डब्लू के तीन बच्चे हुए, S1, S2 और D। लेकिन वाइफ बीच में ही चली गई, डिसीज हो गई। तो ए ने एक और दूसरी महिला थी W2, उसके साथ नाता कर लिया। एक शब्द है नाता प्रथा। इधर W2 का भी हस्बैंड जा चुका था, इसे भी तो भेजना पड़ेगा, बिना भेजे तो बाइगे भी हो जाएगी ना। तो प्रश्न उठता है कि W2 से और A से, दोनों से एक लड़की थी D, एक तरह से कह सकते हैं D2 का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? D2 का। अब जब D2 का जन्म हुआ तो इसने कहा कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा हमारा और आधा तुम तीनों का है। क्या कहा? आधा। तो इन तीनों ने मिलकर कहा कि नहीं, हमारी कोई बहन नहीं है, कभी हमारी माँ से जन्मी नहीं। बोले तुम्हारे माँ से नहीं जन्मी, मैं तो अपनी माँ से जन्मी हूं, लेकिन पिता दोनों का एक है। जब पिता दोनों का एक है तो मैं प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लूंगी। तो जज ने पूछा कि तुम कैसे मानती हो कि तुम, तब तक ये भी चला गया था और ये भी चली गई थी, यही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो तुम कैसे मानती हो कि तुम्हारा ए ही पिता था? कैसे साबित करोगे कि तुम्हारा पिता ए ही था, कोई और भी तो हो सकता है? तो D2 कहती है कि नहीं, मेरा पिता वही था, क्योंकि मेरी मां ने उसके साथ नाता किया था। क्या किया था? नाता किया था। और नाता के संबंध में कि ये जब नाता हुआ उसके संबंध में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है जो 80 साल की एज है, 80 ईयर ओल्ड है, वो ये लिखते हैं अपनी किताब में कि हम गए थे उस दिन दावत खाने जब ए का और W2 का नाता हुआ। और वो ये भी लिखते हैं कि हमारे गांव में नाते नहीं हुए थे उस समय, बहुत जगहों पर उस एरिया में नाता प्रथा बहुत चल रही थी, जो भी लोग मर जाया करते थे बीमारियों से कुछ से, तो उनको दूसरों को कनेक्ट कर देते थे। भाई जीवन एक यात्रा है। क्या है? जीवन यात्रा है, और जिसका सफर मृत्यु पर खत्म होता है।
महिला पुरुष उस यात्रा में सह यात्री होते हैं। सबको वहां तक जाना ही है, कोई जल्दी चला जाता है, जिसका स्टेशन पहले आ जाता है वो पहले ही चला जाता है। अब जब स्टेशन पहले किसी का आ जाता है तो महिला या पुरुष मन नहीं लगता यार अकेले क्या परिक्रमा लगाएंगे, चलो कोई सहयात्री पकड़ लेते हैं। तो वो किसी न किसी सहयात्री को पकड़ लेते हैं और ये सनातन सत्य है। कोई मन से पकड़ता है, कभी कभी मन से भी पकड़ लेते हैं, दूसरों के लिए तो नहीं बताते लेकिन पकड़े तो होते हैं। तो ये जीवन यात्रा है और इस जीवन यात्रा में आज किसी को पकड़ा है, अगले जन्म में किसी दूसरे को पकड़ोगे, अगले जन्म में कोई और पत्नी होगी या कोई और पति होगा। ये बदलते रहते हैं पति पत्नी, जन्मों जन्मों में बदलते रहते हैं। है? जीवन बदलता रहता है। ज्ञानी तो यही मानते हैं कि आपका जन्म होता रहता है। अब हमें ये अनुभव नहीं है कि जन्म होगा या नहीं होगा, या पुराना हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमें तो नहीं। हम प्रयास भी कर रहे हैं उसे जानने का। मान लो ये पता चल जाए यार पहले भी ऐसी क्लास पढ़ाते फिरते थे, फिर मर गए, फिर पढ़ा, तो क्यों इस झंझट को। और भगवान महावीर ऐसा करते थे तो वो क्या करते थे, जाति स्मरण ध्यान कराते थे, और उसमें जाति स्मरण ध्यान कराते थे तो उसमें एक बार एक महिला ने कहा नहीं मैं पुराने जन्म को जानूंगी। तो उन्होंने कहा क्या करेगी जान के, इस जन्म के झंझट कम नहीं है जो पुराने जन्म को भी जानेगी, कि नहीं मुझे जानना है। वो प्रोफेसर थी, बाद में पता लगा कि पुराने जन्म में तो वैश्या थी, उसका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा ये तो इतना गड़बड़ काम मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ये तो अभिनय है जीवन का जो होता रहता है, ठीक है, ये अपने हाथ में भी नहीं होता। अभी हम पढ़ा रहे, हो सकता था पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे, शिक्षक थे क्या थे ये क्या पता। तो इस सेक्शन में दो चीजें थी, सेक्शन 13 में अधिकार और रूढ़ी को कैसे साबित किया जाए, अधिकार और रूढ़ी के संबंध में कौन कौन से एविडेंस रेलेवेंट होते हैं जिन्हें एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, वो सेक्शन 13 में आप लोगों ने देखा। समझ में आ गया? ये कई बार आप बना लेना क्योंकि ये हाँ प्रॉपर्टी दे दी ना जिसको मिल गई 1/4। आदि का पत्नी से मतलब नहीं है, पत्नी से मतलब नहीं है, माँ का हिस्सा थोड़े ही हो रहा है। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे 4 हिस्से। मान लो इससे 2 होते, इससे 3 होते तो भी 5 ही होते। इससे पत्नियों के हिसाब से थोड़ी बांट रहा है। ये वाला कानून क्या है, आप आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं ये भी पढ़ाता। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, हटा दिया, पहले था, पहले तो पढ़ाते थे, पहले था, सारा हिंदू लॉ था, अडॉप्शन था, सक्सेशन था, तो उसमें ये सब ऐसे ही पढ़ाते। कारण क्या, मजिस्ट्रेट के काम नहीं आता। अभी जो सिलेबस छोटा करना पड़ा वो उसके पीछे ये है कि जो उसकी कोर्ट में काम नहीं आता, जब वो एडीजे हो जाता तब काम आता है। पढ़ लिया आपने? नेक्स्ट सेक्शन 14 देखो, नोट्स जरूर पढ़िएगा घर पे।
जो कुछ भी वेयर एक्ट में लिख रहा है मैं उसे समझा रहा हूँ, और उसकी डिटेल जो लिखी है ना, जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ वो सब वेयर एक्ट के अलावा आपके नोट्स में लिख रहा है, यही लिखा हुआ जितना मैं समझा रहा हूँ। आपने देखा ना कभी कभी कहते हैं अरे यार वो लड़का या वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या है? मन है। क्या है ये? मन। आप किसी से घृणा करते हो, आप किसी से प्रेम करते हो, आप किसी को बदसूरत समझते हो और उसी को कोई खूबसूरत समझता है, किसकी वजह से? मन। तो इतना इतनी बड़ी चीज को ऐसा थोड़े हो सकता था कि रेलेवेंट नहीं मानते। ये जितने भी है ना, आस है, दुरास है, ईर्ष्या, ये सब मन की अवस्थाओं के नाम है। दीज आर द स्टेट ऑफ माइंड। क्या है ये? स्टेट ऑफ माइंड है, मन की अवस्थाएं हैं। और मन की अवस्थाओं को रेलेवेंट माना गया सेक्शन 14 में। क्या किया? इस पर केस आया था। कनौरी देवी वर्सेस राजस्थान राज्य। देखो इसमें क्या था कि कनौरी देवी की शादी हो रखी थी, नई नई शादी हुई थी, लेकिन ये एक एक्स के चक्कर में आ रखी थी। अब आप कहोगे कि सर ऐसे ऐसे ही सारे, क्या सारे महिला पुरुष के ही एग्जांपल आते हैं क्या? अब क्या मैं जैसे बापू नगर में पढ़ाता था ना यार, पता नहीं वो वैद्य जी थे, ऐसे आवाज जाती थी ऐसे उस क्लास में से, बोले मैं कई बार आपकी क्लासेस सुनता हूँ। मैंने क्यों, आपको क्या जरूरत आ गई? पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते, चोरी डकैती महिलाओं की कहानियां। अरे मैंने की ये सब कहानियां केसेस है, मैंने नहीं बनाई। ये जो समाज में होता है, जो घटता है, उसके केस बनते हैं, उनकी कहानियां बनती हैं, उन्हें हमें पढ़ाना पड़ता है, केस लॉज हैं ये। तो कनौरी देवी की एक्स के साथ रिलेशनशिप हो गई, और कनौरी देवी का जो एक्स था, एक्स ने उसको मार दिया, और कनौरी देवी उसमें मरवाने वाली थी, सब कुछ उसी ने बताया था। जब ये हत्या हो गई तो पुलिस परेशान के यार कैसा मर्डरर है इसके बारे में पता नहीं चला, कहां गया, कौन है ये मर्डरर? पुलिस वालों ने कहा कि 12-13 दिन तक वहां लोग आएंगे और जो भी अपराधी है, अपराध का कोई ना कोई सुराग छोड़कर जाता है, लोग तो आएंगे। बोले ठीक। तो हर रोज एक सिविल ड्रेस में कांस्टेबल वहां जाता और उसने देखा एक दिन एक कांस्टेबल ने कि कनौरी देवी के कोई आंसू नहीं आ रहे। और कनौरी देवी की एक फ्रेंड, वो भी घूंघट मार के आई, लेकिन जब वो उससे मिली, नाटक करने के लिए बाद में आवाज लगा के रोने लगी, लेकिन जब वो मिली तो थोड़ी मुस्कराई और अपनी फ्रेंड की तरफ आंख मार दी। कॉन्स्टेबल को लगा कि अच्छा ये कुछ न कुछ दाल में काला है। उसने एसएचओ को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा इसी का काम है, कनौरी देवी का, इसी को उठाते। कनौरी देवी को पुलिस उठा लाई और पुलिस ने थोड़ी कठोरता बरती और कनौरी देवी टूट गई। तो कनौरी देवी
कि एविडेंस में एक एविडेंस वो वाला भी शामिल किया गया कि कनौरी देवी को कोई आंसू नहीं आए। 12 दिन तक कोई आंसू उसे नहीं आए, तो उसकी जो मन की अवस्था थी, किसकी अवस्था, तो मन की अवस्था का मैं उस बात को भी एविडेंस के तौर पर लिया गया। बात समझ में आई आपके? मन की अवस्था, जैसे पुलिस पूछती है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या, एक आदमी की हत्या हो जाती है और वो कहता है कि जी फला आदमी हमारा दुश्मन था, पुलिस शक में दुश्मन को पकड़ती है कि हो सकता है कि यही करे, तो दुश्मनी होना, दुराशय होना, आशय होना, ये सब किसकी स्थितियां हैं, मन की। कोई ज्वेलसी होना, ये सब मन की स्थितियां हैं। एक दूसरे को राइवल समझते थे, तो कभी जरूरत पड़े तो राइवलरी को एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। और वो उसकी पुरानी कब कब राइवलरी प्रदर्शित हुई थी उस स्टेज को एविडेंस के तौर पर रखा जा सकता है अंडर सेक्शन 14। तो राइवलरी भी दुश्मनी भी रेलेवेंट है सेक्शन 14 में। समझ में आ गया? एक है शारीरिक अवस्था, शरीर की अवस्था। किसकी अवस्था? शरीर की अवस्था। जयपुर का ये केस है, जयपुर में एक महिला का आरोप था कि साहब इस लड़के ने मेरे साथ रेप करने का प्रयास किया। अभियुक्त को पेश किया कोर्ट में, महिला 6 फीट की लंबी तगड़ी और बड़ी हष्टपुष्ट। जब अभियुक्त को पेश किया, उन्होंने कहा ये कौन है, तुम्हारा लड़का है क्या? कि नहीं लड़का नहीं, यही है सर रेपिस्ट। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मरा मरा ऐसा है, इसमें एक थप्पड़ तुम मारती ये रेप करने की स्थिति का नहीं, क्योंकि क्या किस चीज का एविडेंस दिया हो, शारीरिक अवस्था का। किस चीज का? शारीरिक अवस्था। एक आदमी के ऊपर आरोप है कि सर इसने छत पर चढ़कर एक एक्स आदमी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा सर छत पर मैं कहां से चढ़ा? कहीं छत पर पाइप से चढ़ा था। उन्होंने कहा ये तो अपंग है, लूला लंगड़ा है, ये छत पर कैसे चढ़ेगा, इसकी ऐसी स्थिति नहीं है। एक आदमी जो अंधा है, अंधे के ऊपर ये आरोप था कि इसने, एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि सर ये मेरी तरफ आंख मार रहा था। उसकी जांच हुई, जांच में पाया गया वो तो प्योर अंधा है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, वो तो आंखें वैसे ही फटकाता रहता है बाबा रामदेव की तरह। तो किस चीज का? शारीरिक दशा का एविडेंस दिया जा सकता है। तो शरीर की जितनी भी स्टेट हैं, वो सारी की सारी रेलेवेंट होती हैं सेक्शन 14 में। शरीर की, मन की, और तीसरी चीज क्या है? हाँ बॉडी तो आ गई, हाँ फीलिंग रह गई अब। हाँ बॉडीली फीलिंग, एक आदमी को विटनेस बनाया गया,
लेकिन वो अंधा था, अंधा था। तो जैसे ही उसने कहा सर मैं उस कमरे में घुसा, अंधा कह रहा है, तो अंदर खून ही खून था, और फिर मैंने देखा कि वहां एक बॉडी पड़ी थी, फिर मैंने छू के देखा तो उसके प्राण पखेरु जा चुके थे। कौन कह रहा है? अंधा आदमी। अब वो कह रहा है मैंने देखा, देखना तो आंखों से होता है, आंखें क्या हैं? सेंसर। आंखें क्या हैं? सेंसर हैं, जो फील कर रहे हैं। सेंसर पूरे शरीर पर लगे हुए हैं। तो अंदर जब वो घुसा तो उसके पैरों में ब्लड लगा, तो ब्लड लगने की फीलिंग और पानी की फीलिंग अलग अलग होगी। किसी के पैरों में ब्लड लग गया, जमीन पर ब्लड पड़ा हुआ है और पानी पड़ा हुआ है, तो उनकी क्या होगी फीलिंग? कैसी होगी? डिफरेंट होगी। तो बोले तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं। बोले सर पैरों में लगा, तो दूसरा एडवोकेट कहता है जी पानी हो सकता है। उनने कहा पानी की फीलिंग और ब्लड की फीलिंग अलग अलग होती है। फिर कहता है कि इसने कैसे जाना कि वो आदमी मर गया था? उनका मैंने नब्ज पकड़ के देखा, जीवित होने ना होने के दिखना ही है, ये पैरों से दिख रहा था भाई, पैरों से दिख रहा था। जो अंधा होता है उसके सेंसर्स आंखों की बजाय दूसरे काम करने लगते हैं। एक यहाँ पे विवेकानंद के नाम से पहले एक जोशी जी अंधे थे, वो इंस्टीट्यूट चलाते थे जुडिशरी का, एक बस वही इंस्टीट्यूट था उस समय, और कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जब राजस्थान में। पूरे राजस्थान भर के सारे बच्चे वहीं पढ़ते थे, मैंने भी वहां पढ़ाया। तो वो स्टूडेंट से फीस खुद ही लेते थे, और उन्हें कोई स्टूडेंट बेवकूफ नहीं बना सकता था, वो खुद गिनते हैं हाथ से, अरे यार ये 50 का है, दूसरा दे 100 का ला। तब वो 50-100 के नोट चलते थे, बोले 100 का ला, नहीं सर ये 100 का ही है, अरे अब बेवकूफ मत बना, ला 100 का ला। तो जोशी सर ऐसा करते थे, ब्लाइंड थे। उन्होंने शायद 2 या 3 शादियां भी की, प्रोफेसर थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, लॉ का इंस्टीट्यूट चलाते, लॉ के सारे टीचर्स को रख रखा था उन्होंने, और कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। एक स्कूल में शाम को कार से आते थे, सूट के ड्राइवर लेके आता था, सूट केस लेके आते थे, बस सूटकेस में एक डायरी होती थी, उसी में नाम लिख लेते, पैसे अपने जेब में रखते थे, कोई रसीद कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल कुछ नहीं था। और 5 बजे से 8 बजे तक क्लासेस चलती थी, 5 बजे सारे टीचर वहां पहुंच जाते थे, और कोई वो नहीं होती थी कोई काउंसलिंग के लिए बैठे हैं, इसके लिए बैठे हैं, कुछ नहीं, सब जानते थे उनका नंबर। हाँ ठीक है इतने 5 बजे आ जाना भाई, 4:45 आ जाइयो, क्लास में बैठा देंगे, ला पैसा ला, और सूटकेस में रख लेते चले चले जाए। जिस दिन उनकी कोरोना में डेथ हुई, उस दिन संयोग बस उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी समझ में नहीं, मैंने जोशी जी का फोन, मैं पता नहीं किस काम में लग रहा था, मैंने उस समय उठाया नहीं। फिर मैंने कहा चलो सर से बात कर लेते। दूसरे दिन मैंने फोन किया तो बोले उनकी कल डेथ हो गई। अरे मैंने कहा सर की डेथ हो गई, मैं पढ़ाने गया था। जब मैं पढ़ाने गया, उसका भी एक संस्मरण है, तो मैं उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय टीचर नहीं था, UPBCSJEE की वैकेंसी आई हुई थी, बहुत सारे 1,000-1,200 बच्चे थे उनके पास। तो मैं पढ़ाने गया तो स्टूडेंट्स मेरे से बोले पढ़ाए वो बनना है टीचर, इधर आ जा सर आ रहे होंगे। मैंने कहा आज मैं ही हूँ सर। फिर वो 2.5-3 घंटे तक लंबी क्लासेस लेने का मेरे को, फिर जोशी जी ने अपना चपरासी भेजा, उन्होंने कहा यार छोड़ो क्लास आज इतनी लंबी क्लास, क्लास तो 1 घंटे की होती है। मैंने कहा 2.5-3 घंटे लूंगा।
और वो अंधे थे तो वो एज्ड कोई रखते थे, सिर्फ बूढ़ों के लिए ही थी जगह वहां। मेरे से एक दिन बोले आप कितने साल के हो, मैंने कहा सर मैं आपके यहाँ कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी टीचर ने बता दिया था कि जो एज्ड नहीं है ना उसको नहीं रख, उसको लड़कों को नहीं रखते ये किसी को। तो मैंने कहा अब तो मैं कई बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ आपके, अब एज क्यों पूछ रहे हो, वो मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे हो। तो सेक्शन 14 आप को मैंने पढ़ाया अभी, शारीरिक संवेदना है, इन तीनों को पढ़ो एक बार, 14 को एक बार जस्ट रीड कर लो। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, ज्ञान कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, इंटेंशन कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, इस तरह पूछेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, ज्ञान का मतलब ये है, शरीर का मतलब ये है, फीलिंग्स का मतलब ये है, तो आप इसका सही आंसर कर देंगे। देखो जो ही समय निकल जाता है, 15 भी पढ़ लो फटाफट। इंश्योरेंस कराते ना लोग, तो एक मेरे कोई परिचित थे, तो वो एक दिन कहने लगे सर गाड़ी नहीं ले आया। मैंने कहा नहीं ले आया? मैंने कहा यार गजब जी, तो मतलब पुरानी पुरानी वाली भी यही थी आपके? कि सर वही है, पेंट करा दी मैंने। मैंने कहा पेंट कैसे कराई आपने? बोले पुरानी वाली गाड़ी पे एक दिन मैंने ईंट का एक रोरा लेके और वो सारी घिस दी जगह जगह से, और FIR दर्ज करा दी, और कंपनी वालों ने सारी दोबारा नई पेंट करके दे दी। मैंने कहा ये काम तो पुरानी गाड़ी पे भी किया था आपने, तो मैं बार बार यही कर रहा हूं। मैंने कहा सेक्शन 15 नहीं पढ़ा आपने? वो भी सरकारी अधिकारी थे, हैं मतलब। मैंने कहा सेक्शन 15 नहीं पढ़ा? अरे सेक्शन 15 को कौन पूछता है। तो देखो ये क्या कह रहा है सेक्शन 15, कि कोई कार्य आकस्मिक था या मतलब आकस्मिक मतलब जैसे किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसने इंश्योरेंस में क्लेम किया और गाड़ी मिल गई उसको। एक आदमी एक काम करता था कि अपने शोरूम में इंश्योरेंस कराता, थोड़े दिन बाद फिर शोरूम में से कुछ सामान निकाल लेता, कम सामान करके आग लगा देता और कहता देखो मेरा तो इतना स्टॉक था, और फिर पैसे ले लेता, और ये कंटिन्यू कर रहा था। तो आग आकस्मिक नहीं थी, लगाई गई थी। क्या है मतलब है? आग लगाई गई थी। जैसे ही आग लगाई गई, क्योंकि वो कंटिन्यू एक सीरीज थी, पहले भी ऐसा ही किया फिर ऐसा ही किया। जब आदमी सीरीज में एक काम कर रहा होता है तो ये माना जाता है ही इज डूइंग इंटेंशनली, मतलब काम इंटेंशनली किया जा रहा है या आकस्मिक है। मतलब कैसे साबित करोगे इस बात को? तो सेक्शन 15 करवा रहा है साबित। तो जितने भी इंश्योरेंस के झूठे केस वगैरह होते हैं वो सेक्शन 15 में रेलेवेंट है। 16 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना।